जो आज का होस्ट है। आज के होस्ट में काफी अच्छे अच्छे रेजोल्यूशन पास हुए हैं। सबसे बड़ा था उसमें हमने तवी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, उससे जितने भी वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर वो अथॉरिटी काम करेगी और उससे हमारे काफ़ी लाभ होगा क्योंकि उसके लिए सेपरेट फंड्स अलॉट होंगे और जब मल्टीपल हैंड्स पे काम होता है तो काम में आसानी आती है। दूसरा बिल्डिंग बायलॉज, हमारे जितने भी लोग हैं बड़े परेशान हैं बिल्डिंग बायलॉज से, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी हैं वो उनसे पैसे ले लेते हैं, बिल्डिंग परमिशन उनसे होती नहीं, बिल्डिंग भी बन जाती है, कॉरपोरेशन को कुछ मिलता नहीं, बदनामी कॉरपोरेशन की। ये चीज़ें ना हो उसके लिए हमने प्रावधान रखे हैं, नए बिल्डिंग बायलॉज बना रहे हैं और लोगों को उसमें आसानी हो उसके तरीके से हम काम कर रहे हैं। तीसरा रोटेशन ऑफ वार्ड्स, वो हमने कहा है कि दो टेन्योर के बाद होना चाहिए क्योंकि ऐसे ये डीमोटिवेटिंग फैक्टर सिद्ध हो रहा है। तीसरा जो स्मार्ट सिटी में पार्किंग थी उसमें अभी तक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मात्र 1,00,000 रुपये मिला है और लोग 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, जो हमारे इधर के कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर रखा जा रहा है वो नहीं होने दिया जाएगा, हमें अपने लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमें अपने लोगों के लिए खड़े होने के लिए ही है और इसीलिए जो नई पार्किंग है उसमें जब हमारा टेंडर होगा उसमें मैं कॉरिजेंडम ला रहा है हाउस, उसने पास कर दिया है कि जिसमें उसमें एक क्लास रखा है कि जिसने वो टेंडर डालना है उसके पास 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए हर साल। तो मैंने उसमें ये करा है कि 3 साल में 3 करोड़। तो हम अपने लोगों का हित पूरा सुरक्षित रखेंगे और उनके लिए बात करेंगे और जी जान से उनके लिए हम काम करते रहेंगे क्योंकि मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल। किसी साथी ने प्रस्ताव लाया है तो मैं उसके हक में हूँ और ये होना चाहिए। थैंक यू। माननीय मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, एक हाउस में एक रेजुलेशन जो आया है गौरव चोपड़ा जी ने जो डाला है इसके ऊपर बात होनी चाहिए, सबका अपना अपना विचार है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हॉनरेरियम की बात नहीं कर रहे, ये हमारे कुछ साथियों को उस पर थोड़ा सा पता नहीं लगा कि इन्होंने कहा क्या है रेजुलेशन में। इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज या हाउस की जो हमारे हाउस लगता है उसकी जो हमें कुछ चार्जेस मिलता है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो उसके ऊपर सबने अलग अलग बात जो है करना शुरू कर दी। और उनका जो कहने का मतलब था सबने हमने सुना कि उन्होंने क्या कहा कि हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं जो इन चीजों सब कुछ इन्हीं के ऊपर हमारा जो है जो इलेक्ट होके आए हैं सब काम जो है इनके खत्म हो गए हैं, सिर्फ लोगों की सेवा करते रहते हैं। और जो ये बोल रहे हैं सिर्फ जो हमें पहले 1,000 सिटिंग मिलता था उसको इन्होंने 2,000 किया, और वो भी क्यों किया आपके कहने के मुताबिक कि आप व्यवस्था को चेंज कर रहे हैं ये विद इन टाइम। उसके बाद जो आगे लोग आएंगे ये उनके लिए जो है इन्होंने ये रेजुलेशन डाला है कि आगे जब नई कॉर्पोरेशन बढ़ेगी तो उनको भी ये होगा कि जो हमसे पहले जो कारपोरेटर जहां बैठे थे उन्होंने कुछ इस चीज में चेंज लाई है, क्योंकि जो 2005 में जो उस टाइम हुआ करता था वो अब इस टाइम जो है उसमें बहुत सारा फर्क आया है। तो ये सिर्फ उसके लिए इन्होंने ये रेजुलेशन डाला है, मैं इनके फेवर में हूँ। डेवलपमेंट के काम है वो हमारे जो फंड्स हैं वो जैसे इसके ऊपर आगे चर्चा होगी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं यही अपने साथियों से कहना चाहता हूँ ये कोई इनका कोई ऐसा वो रेजोल्यूशन डालने का वो नहीं था, ये सिर्फ एक छोटा सा कि हम लोगों के पास भी इन्होंने अपनी पेंशन लगा दी, सभी कॉर्पोरेटर अपना पेंशन अपना सारा जो भी है लोगों की सेवा में लगाते हैं। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं किसी का छत गिर जाता है तो कई बार कॉर्पोरेटरों को क्या उनको कुछ उसको शेल्टर बना के देना पड़ता है, कभी कुछ ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गार्डनर जी हैं उन्होंने डीवीसी के ऊपर उन्होंने अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने बोला था कि उनका मानदेय भी बढ़ा रहे हैं और उनको सिक्योरिटी प्लस उनका जो रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स है वो भी अलॉटमेंट कर रहे हैं, चाहे श्रीनगर के लिए हो चाहे जम्मू के लिए हो, एक जैसा प्रावधान रहना चाहिए।
चाहे यूएलबीज के लिए हो, चाहे हमारा डीडीसी मेंबर्स के लिए हो, अगर थ्री टायर सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है तो उसके नाम्स भी अगर यूटी है तो अलग अलग नाम्स जो है वो यहाँ परिक्षेप में नहीं होने चाहिए। जो भी जो रेजोल्यूशन इन्होंने गौरव जी ने डाला है सब उसके समर्थन में है। ये मात्र ध्येय का बात है, मानधेय का बात है, पैसों की क्षमता की बात नहीं है। इस पर विचाराधीन पिछले चार सालों से हम कर भी रहे हैं, लेकिन आज अगर हमारे ऊपर राज्यपाल जी बहुत संक्षेप में इसके ऊपर फोकस है तो हमारे कॉर्पोरेशन के ऊपर भी फोकस रहने चाहिए। थैंक यू सर। माननीय पार्षद जी सुरेंद्र चौधरी, माननीय पार्षदा मनहास जी, सर अगर देखा जाए तो सभी जितने भी पार्षद हैं और अपने जनता की जो है वो सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से हम लोग यहाँ पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि हमेशा सेवा भाव से कार्य करें और निष्फल जो फल है हमें उसका वो कोई श्रेय नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि हमें सेवा भाव से कार्य करें तो सबसे बेहतर होगा, ताकि ना कि हमें अपने मानदेय पर जाना चाहिए, हमारे ऑनरेरियम बढ़ाए जाए, ये कोई हमारा विकल्प नहीं। जब हम कॉर्पोरेशन में आए थे तो हमारा किसी को भी नहीं पता था कि कितना ऑनरेरियम होगा, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता था कि कितना प्रेशर होगा और किस तरह का काम होगा। किसी को भी नहीं पता था कि हम लोगों में भी इट्स नॉट अ पार्ट टाइम। आज के डेट में कॉर्पोरेशन में एज काउंसलर या कॉर्पोरेटर हम पार्ट टाइम नहीं है, हम फुल टाइम है, ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जिनका इस राशि से एक जो लोग उनके पास मिलने, मेरा एक अपना सुझाव है, बाकी सभी पार्षद अपना सुझाव दे रहे हैं, मेरा मानना है कि इस तरह का एक हौसला अफजाई हमारे सभी पार्षदों की होनी चाहिए। आज की डेट में छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे